मुल्तानी फेमिना जहां, फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। भाजपा ने मेरठ शहर विधानसभा से टिकट कमल दत्त शर्मा को दिया तो विरोध के स्वर भी उठ खड़े हुए। कमल दत्त के समर्थकों ने खुशी जताई तो विरोधी ने खुलकर नारे भी लगाए। इन लोगों ने आरोप लगाए कि जो व्यक्ति सुनील भराला शहर की जनता के दुख में कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, उसे टिकट न देकर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसका चरित्र भी ठीक नहीं है। ऐसे मौके पर कमल दत्त शर्मा की एक पुरानी वीडियो भी वायरल की गई। आइए पहले दिखाते हैं टिकट मिलने पर खुशी मनाते व पटाखे फोड़ते हुए कार्यकर्ता। इस मौके पर कमल दत्त शर्मा ने यह कहा, जीत होगी पक्की। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता यहाँ का प्रत्याशी है मेरठ विधानसभा का, और वो सभी चुनाव लड़ेंगे। केवल मैं सिंबल मात्र हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ मैं भी, और सब बराबरी के कार्यकर्ता सब मिलाकर और इस पार्टी को जिताएंगे। मुद्दे तो हमारे पहले से ही खुले हुए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार है। आप देख सकते हैं कि मेरठ में किस तरह से विकास की गंगा बही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे माननीय सांसद मेरठ हापुड़ लोकसभा के आदरणीय राजेंद्र जी, आप देखते हैं मेरठ को किस तरह से इन्होंने चमकाया है। मेरठ और दिल्ली में कोई अंतर नहीं रह गया है। पहले 1997-98-2000 जब भी कोई सरकार होती थी तो वो सिर्फ कागजों पर खाका बनाते थे कि दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे ये है। ये भाजपा की सरकार है, प्रदेश की और सेंटर की, जिसने इसको धरती पर लाया है। अब आपकी दिल्ली दूर नहीं रह गई है, 35-40 मिनट की दिल्ली रह गई है। इसका कारण ये नहीं कि हम सिर्फ मुद्दे कागजों पर बनाते हैं। हमने ही उसका शिलान्यास किया और हमने ही उसका उद्घाटन किया। ऐसा है ना, जनता का एक फैसला होता है, लोकतंत्र का फैसला था, उस समय उनके हक में आ गया। लेकिन उन्होंने 5 साल में कुछ करा नहीं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, और हमारा एक एक भाजपा का कार्यकर्ता उनसे ज़्यादा पावरफुल है। वो अलग बात है, जो आदमी कुछ करता नहीं, क्या जिस समय पर हमारी सरकार नहीं थी तो कमल दत्त शर्मा क्या मिलते नहीं थे आपको सड़कों पर? किसी ने रोका है क्या किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति को छुपाने के लिए और जनता के सामने अपने आप को बेचारा साबित करने के लिए, तो इसके बाद तो वो अपने आप ही हार गए मुद्दे पे। कौन सा गठबंधन? मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आंख दिखाई देती है जिसका लक्ष्य है विजय, और मेरी जनता और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के एक एक आदमी इस चुनाव को लड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो जनसैलाब यहाँ पर आया है, मैंने किसी को अभी कुछ कहा नहीं है। एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और आने वाले समय में आपको ये चीज़ हर घर में हर गली में दिखाई देगी। क्षेत्र की जनता से मैं प्रार्थना करूँगा कि जनता जनार्दन है, आज मैं उनके सामने, मेरी परीक्षा की घड़ी है और मैं उनके बीच में आया हूँ, तो वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वहीं जिला मुख्यालय पर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने शहर से टिकट कमल दत्त शर्मा को दिए जाने का विरोध किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।